नमस्कार, आज हम लोग बात करेंगे एक ऑप्थेल्मोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कैटरैक्ट के बारे में। कैटरैक्ट के टॉपिक को क्लियर करने से पहले हमें लेंस की एनाटॉमी और उसके फिजियोलॉजी को समझना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि कैटरैक्ट बेसिकली लेंस में होने वाली डिजनरेटिव चेंजेस हैं जिसकी वजह से कैटरैक्ट होता है। तो लेंस में जब डिजनरेटिव चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से कैटरैक्ट होता है, तो हमें सबसे पहले इस बात को क्लियर करने के लिए कि क्यों लेंस में डिजनरेटिव चेंजेस होते हैं और लेंस कैसा होता है, इसको समझना ज़रूरी है, तभी हम कैटरैक्ट को समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैटरैक्ट का। हम जो अपना ओरिएंटेशन है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम समझ सकेंगे कि आगे हम देखेंगे कि ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस जिसकी वजह से कैटरैक्ट होता है, लेकिन ये होता क्यों है, कहाँ पर होता है, उसे जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक एनिमेशन के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैटरैक्ट आमतौर पर ओल्ड एज में होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम है। हालांकि ये यंग जनरेशन को भी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन आमतौर पर ये बुढ़ापे की बीमारी है। ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए हमें लेंस और उसके आसपास के एरियाज को समझना होगा। हम जानते हैं कि दूर से आने वाली यानी जो भी लाइट की सेंसिटिविटी जो होती है वो कॉर्निया और लेंस से गुजरने के बाद पीछे रेटिना पर जाकर के गिरती है। तो यहाँ पर दिखाया गया है ये जो हिस्सा है ये कॉर्निया का हिस्सा है जो कि एक पहला जो रिफ्रैक्शन का सरफेस ये बनाता है और दूसरा रिफ्रैक्शन का सरफेस ये बनाता है। ये लगभग बाई कॉन्वेक्स शेप का लेंस होता है। आप देखेंगे दूर से आने वाली रेडिएशंस पहले कॉर्निया पर गिरती हैं, कॉर्निया उसे कन्वर्ज करता है, फिर ये बाई कॉन्वेक्स शेप की लेंस उसे कन्वर्ज करती है, तो इसके द्वारा लास्ट में रेटिना पर इमेज बन पाते हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आप देखेंगे कि दूर से आने वाली रेडिएशंस रेटिना पर गिरती है जिसके द्वारा विजुअल सेंसेशन ब्रेन को पहुँचता है। यहाँ पर लेंस एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप देख सकते हैं जब लाइट ट्रेवल करती है तो लेंस से होकर के गुजरती है। लेंस का ट्रांसपेरेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हैं कि हमारी आई विज़न के लिए इस तरीके से एकोमोडेटेड होती है कि ये दूर से आने वाली रेडिएशंस को रेटिना पर वहाँ पर फॉल डाउन तो कराती ही है। करीब का अगर कोई ऑब्जेक्ट है जैसे कि किताबें अगर हम पढ़ रहे हैं तो भी ये सिलेरी बॉडी की मदद से यहाँ पर एकोमोडेशन करती है। लेकिन ओवरऑल इस पूरे ट्रैवलिंग के पाथ में पहला पार्ट है कॉर्निया का और दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है लेंस का। यहाँ हम लेंस पर बात कर रहे हैं आज, तो लेंस की ट्रांसपेरेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ओल्ड एज में हम देखते हैं कि लेंस ओपेक हो जाता है। ये ओपेक क्यों होता है, किस लिए होता है, ये ओल्ड एज की डिजनरेटिव चेंजेस की वजह से होता है। एक बात ये मानी जाती है कि लेंस में प्रोटीन का हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है और ये प्रोटीन जब डीनेचर्ड होना शुरू हो जाते हैं तो लेंस ओपेक हो जाता है, जिसकी वजह से इससे गुजरने वाले रेडिएशंस प्रॉपर रेटिना तक सही इंटेंसिटी में पहुंच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे ब्लर्ड विजन होना शुरू हो जाता है। ब्लर्ड ही नहीं, कलर की भी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। आगे आप पढ़ेंगे कि कोन्स जो रेटिना पर पाए जाने वाले कोन्स होते हैं वो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपको पता होगा प्राइमरी जो कलर्स हैं वो कोन्स में रेड, ब्लू और ग्रीन होते हैं, जिसको मिला करके कोन्स मल्टी कलर्ड सेंसेशन पैदा करता है। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना चाहूंगा। इस इमेज के माध्यम से मैं रेटिना पर पाए जाने वाले रॉड्स और कोन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को समझाना चाहता हूं। यहां पर आप देखेंगे ये है रॉड जो कि रॉड लाइक है और ये है कोन्स जो कोन लाइक स्ट्रक्चर है। ये कोन्स तीन डिफरेंट अलग अलग कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पर रेटिना में तीन अलग अलग तरीके के सेंसिटिविटी के लिए
कोन्स पाए जाते हैं, कुछ रेड कलर के लिए, कुछ ग्रीन कलर के लिए और कुछ ब्लू कलर के लिए। आप देखेंगे जब रेटिना पर लाइट गिरेगी तभी तो जा करके ये इनकी सेंसिटिविटी डेवलप होगी, तभी तो जा करके कलर्स डेवलप होंगे। आप समझ सकते हैं रेटिना पर पहुंचने वाला अगर लाइट कम पहुंचेगा तो न सिर्फ ब्लर्ड इमेज बनेगी बल्कि कलर की कलर्ड इमेजेस की जो क्वालिटी होनी चाहिए, आंखों पर बननी चाहिए, वो भी नहीं सही से बन पाती है। तो ये ओल्ड एज की प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम देखते हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से जैसे जैसे चेंजेस होते जाएंगे वैसे वैसे कलर में परिवर्तन होता जाता है। तो अब हम बात करते हैं कैटरेक्ट के बारे में, ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस के बारे में। जब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसे क्लासिफाई करने के तीन तरीके हैं। एक इस बेसिस पर कि ये कॉन्जेनाइटल है या एक्वायर्ड है। एक तरीका ये होता है कि ये कॉन्जेनाइटल है या फिर एक्वायर्ड है, क्या जन्म से है या फिर लाइफ के ड्यूरेशन में इसको एक्वायर्ड किया गया है। पहला क्लासिफिकेशन का तरीका ये होता है। दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर हम कैटरैक्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी की बेसिस पर हम मॉर्फोलॉजी या लेंस की एनाटॉमी जिसे कह सकते हैं, तो लेंस की एनाटॉमी या लेंस की मॉर्फोलॉजी की बेसिस पर जब हम क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर तरीका आता है या तो कैप्सूल में कैटरैक्ट डेवलप हो रहा होगा। ये कैप्सूल किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये आपको समझना ज़रूरी है। लेंस प्रभावित होता है इस कैटरैक्ट की पूरी प्रोसेस में, लेंस प्रभावित होता है। तो अगर लेंस के कैप्सूल में, कैप्सुलर एरिया में कैटरैक्ट डेवलप हो रहा होगा तो वो कैप्सुलर कैटरैक्ट, सब कैप्सुलर, कैप्सूल के नीचे सब कैप्सुलर कॉर्टिकल हो सकता है। ओल्ड एज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कैटरैक्ट की, वो कॉर्टिकल कैटरैक्ट की होती है। ऐसा क्यों होता है इसको आगे अभी हम इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इसको आपको समझना है कि कॉर्टिकल कैटरैक्ट जो है वो, जिसे हम सेनाइल कैटरैक्ट कहते हैं, मोस्ट कॉमन होता है। ये क्यों होता है, ओल्ड एज की प्रॉब्लम है और कॉर्टिकल रीजन में ओल्ड एज के चेंजेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों, इसको आगे हम आंसर देंगे। ये पूरा का पूरा जो भी कैटरैक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में समझ तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक हम लेंस के एनाटॉमी और उसके प्रॉपर फिजियोलॉजी को ना समझ पाए। तो इसीलिए एनाटॉमी जो यहाँ लिखी हुई है अलग अलग हिस्से में कैटरैक्ट जो डेवलप होता है, कैप्सुलर, सब कैप्सुलर, कॉर्टिकल, न्यूक्लियर या फिर सुप्रा न्यूक्लियर, इसके अलावा पोलर, पोलर में भी एंटीरियर पोस्टीरियर। ये क्यों कैप्सुलर में एंटीरियर पोस्टीरियर होता है, सब कैप्सुलर में कैसे एंटीरियर पोस्टीरियर होता है, पोलर में कैसे एंटीरियर पोस्टीरियर होता है, उसके बारे में अभी हम एक इमेज के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लेंस। लेंस को जब हम देखते हैं तो लेंस कुछ इस तरीके से होता है कि ये बाईकॉन्वेक्स है, बाईकॉन्वेक्स है लेकिन इसकी कॉन्वेक्सिटी इक्वल नहीं है। आप देखेंगे ये जो लेंस है इसी को समझ लें आप, इसको लिटा करके दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक फेस में रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है और दूसरे फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। ये फिजिक्स का फंडा है। आप देखेंगे अगर एक यहाँ पर स्फीयर अगर यहाँ ड्रॉ किया जाए, आप यहाँ देखने की कोशिश करें, अगर एक स्फीयर ड्रॉ किया जाए तो स्फीयर क्या होगा, छोटा सा बनेगा इसकी वजह से। और जबकि इसकी वजह से जब हम ड्रॉ करते हैं जो एंटीरियर सरफेस की है तो उसकी वजह से जो ड्रॉ होगा सर्किल वो बड़ा सर्किल होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि एंटीरियर सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है और पोस्टीरियर का कम होता है। तो ये आप देख रहे हैं ये है इसका एंटीरियर सरफेस और ये है इसका पोस्टीरियर सरफेस। ये बाईकॉन्वेक्स तो है लेकिन पूरी तरीके से बाईकॉन्वेक्स नहीं होता है। इसमें बाहरी रीजन को कॉर्टिकल रीजन कहते हैं और सेंट्रल रीजन को न्यूक्लियस कहते हैं। बाकी किसी अभी हिस्से को समझने के लिए आपको ज़्यादा प्रेशर डालना नहीं है, अभी हम वन बाय वन करके हर एक पार्ट को यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये जो लेंस है एक कैप्सूल के भीतर पाया जाने वाला पार्ट है। ये लेंस जो है कैप्सूल के भीतर पाया जाता है। इसमें एंटीरियर कैप्सूल है, पोस्टीरियर कैप्सूल है, ये इक्वेटोरियल एरिया है और ये यहाँ पर आपको पोल्स नजर आएंगे। तो यहाँ पर एंटीरियर पोल, पोस्टीरियर पोल, आप समझ सकते हैं ऐसे एंटीरियर कैप्सूल, पोस्टीरियर कैप्सूल।
कैप्सूल के जस्ट नीचे होता है सब कैप्सूल, तो सब कैप्सूल में भी आप कह सकते ना एंटीरियर सब कैप्सूल और पोस्टीरियर सब कैप्सूल। इसी को अब यहाँ पर हम समझाएंगे कलर करते हुए। यहाँ पर जो हमने लेंस के स्ट्रक्चर को देखा है उसी को अब हम देखेंगे। कैप्सुलर कैटरैक्ट अगर देखना है तो आप देख सकते हैं या तो एंटीरियर कैप्सूल में कैटरैक्ट डेवलप हो रहा उस हिस्से में, या फिर पोस्टीरियर पार्ट में कोई पोस्टीरियर कैप्सूल के हिस्से में कैटरैक्ट डेवलप हो रहा हो। तो इस तरीके से कैप्सूल के नीचे फिर हम और जाएं और अगर वहां पर डेवलप हो रहा कैटरैक्ट है तो उसे सब कैप्सुलर कह सकते हैं। रीजन के हिसाब से ये एंटीरियर सब कैप्सुलर हो सकता है या फिर पोस्टीरियर सब कैप्सुलर। कैप्सूल के जस्ट नीचे अगर कैटरैक्ट डेवलप हो रहा हो तो इसे इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। और भीतर अगर हम जाते हैं तो कॉर्टेक्स का हिस्सा आता है और इस आधार पर हम कहते हैं कॉर्टिकल कैटरैक्ट। फिर और भीतर अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के हिस्से में अगर कैटरैक्ट डेवलप हो रहा हो तो उसे न्यूक्लियर कैटरैक्ट कहते हैं। और न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स के बीच में कैटरैक्ट डेवलप हो रहा हो तो उसे हम सुप्रा न्यूक्लियर कहते हैं। तो आप यहां पर येलो कलर से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के बाहर है और कॉर्टेक्स के भीतर है, तो इसे सुप्रा न्यूक्लियर कैटरैक्ट कहते हैं। तो ये सारे एनाटॉमिकल बेसिस पर अलग अलग हिस्सों में कैटरैक्ट के डेवलपमेंट के आधार पर कैटरैक्ट को डिफाइन किया जाता है, उसको क्लासिफाई किया जाता है। अब एक बात समझ में आती है कि कैटरैक्ट को समझने के लिए लेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए अब हम शुरू करते हैं लेंस से, लेंस को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लेंस को समझ लेंगे तो फिर कैटरैक्ट को समझना आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा लेंस को समझने के बाद कैटरैक्ट के बारे में, लेकिन अभी हम लेंस पर ही बात करेंगे। तो लेंस जिसमें कैटरैक्ट डेवलप होता है वो कैसा स्ट्रक्चर है? वो आमतौर पर अगर हेल्दी लेंस है तो वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जो कि एम्ब्रियोनल एक्टोडर्म से बना हुआ, सरफेस एक्टोडर्म से बना हुआ पार्ट है। इसका शेप बाइकॉन्वेक्स होता है, लेकिन जन्म के समय एट द टाइम ऑफ बर्थ ये स्फेरिकल शेप का होता है। ये धीरे धीरे ग्रो करता जाता, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये एक ऐसा पार्ट है जो कि लेंस जो धीरे धीरे ग्रो करते हुए स्फेरिकल शेप से बाइकॉन्वेक्स में बदल जाता है। कैसे बदलता है इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एट द टाइम ऑफ बर्थ स्फेरिकल शेप का होता है, बाइकॉन्वेक्स बाद में हो जाता है। लेंस ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है आईबॉल का जो कि लगातार ग्रो करता रहता है थ्रू आउट द लाइफ, और इसमें आप देखेंगे कि इसी वजह से ये स्फेरिकल से बाइकॉन्वेक्स शेप का हो जाता है। इसमें एक बात और भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें प्रोटीन का हाइएस्ट कंटेंट होता है और धीरे धीरे लगातार ग्रो करने के कारण एक तरीके से आप समझ सकते हैं ये नॉन लिविंग नहीं है। नॉन लिविंग नहीं है इट मीन्स इसमें भी एजिंग हो सकती है। इसमें जब एजिंग होती है तो किस पार्ट में एजिंग होगा? वो एक्चुअल में प्रोटीन में होता है, और प्रोटीन्स जो हैं वो डीनेचर्ड होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से कैटरैक्ट की प्रॉब्लम डेवलप होती है। तो अब आपको समझ में आ सकता है कि कैटरैक्ट क्यों डेवलप होता है। अब हम लेंस के पावर की बात करें तो लेंस की पावर, पावर का मतलब आप समझ सकते हैं, पावर फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा 1/4 फोकल लेंथ को हम कहते हैं। तो पावर वैसे अगर होल आईबॉल की कहा जाए तो वो 60 डायोप्टर होती है, और इसमें दो पार्ट्स होते हैं पूरी आईबॉल के पावर को के, दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है कॉर्निया का और दूसरा कंपोनेंट होता है लेंस का। कॉर्निया का जो पावर है वो 43-45 डायोप्टर तक होता है, लेंस का 17-15 डायोप्टर तक होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैटरैक्ट में लेंस ओपेक हो जाता है। तो एक समस्या जो यहाँ पर समझ में आती है वो ये नज़र आती है कि क्या कैटरैक्ट डेवलप होने से आंखों के पावर पर ज़्यादा फर्क पड़ता है? अगर आप देखें तो आई के जो पावर है उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आंखों का जो पावर है वो कॉर्निया डिसाइड ज़्यादा करता है, लेंस से कम डिसाइड होता है। लेकिन लेंस का ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि अगर लेंस ओपेक हो गया तो पावर से उतनी दिक्कत नहीं होगी, ओपेक हो जाने की वजह से लेंस से होकर के गुजरने वाले जो रेडिएशंस हैं जो रेटिना पर पहुंचते हैं उसमें दिक्कत हो सकती है। तो होगा क्या, प्रॉपर जब लाइट का सेंसेशन रेटिना पर नहीं पहुंचेगा क्योंकि लेंस ओपेक हो गया है तो प्रॉपर इमेज नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए लेंस के ओपेक होने से ज़्यादा दिक्कत है, उसके पावर से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इसीलिए कैटरेक्ट की सर्जरी में दो ऑप्शन होते हैं, या तो लेंस को पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि उस लेंस की जगह आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है जिसका पावर 17-15 डायप्टर तक हो। तो इस तरीके की कोशिश की जाती है। तो कैटरेक्ट की सर्जरी में आर्टिफिशियल लेंस जो फिक्स किए जाते हैं वो इतने ही पावर के फिक्स किए जाते हैं। कुछ मामलों में लेंस अगर नहीं डाला जा सकता तो छोड़ दिया जाए बिना लेंस डाले, तो भी आईबॉल के पावर पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तय करता है, आप जानते हैं, लाइट को अपने पाथ से बेंड करने की टेंडेंसी के बारे में। तो जब हम बात करते हैं तो इसमें मैंने आपको इमेज के माध्यम से अभी बताया था कि इसके दो पार्ट होते हैं लेंस के, एक कॉर्टिकल पार्ट और दूसरा न्यूक्लियर पार्ट। आप समझ सकते हैं कॉर्टिकल पार्ट और जो न्यूक्लियर पार्ट है, ये दो अलग अलग पार्ट इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इनडायरेक्टली आप फिजिक्स में पढ़े रहे होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में डेंसिटी के बारे में बताता है, डेंस मटेरियल की डेंसिटी के बारे में बताता है। तो न्यूक्लियर पार्ट की डेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होता है, कॉर्टिकल पार्ट की डेंसिटी कम होती है इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है। आप डेटा वाइज देख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉर्टिकल पार्ट इज इक्वल टू 1.39 वाइल दैट ऑफ न्यूक्लियर पार्ट इज इक्वल टू 1.42। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कॉर्टिकल पार्ट और न्यूक्लियर पार्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूक्लियर पार्ट का ज़्यादा होता है क्योंकि वो ज़्यादा डेंस होता है। ये डेंस क्यों होता है आप देखेंगे कि अभी हम डिस्कस करेंगे जब, तो हम देखेंगे कि वाटर कंटेंट एक्चुअल कॉर्टिकल रीजन में ज़्यादा होता है, न्यूक्लियर रीजन में कम होता है। तो जब पानी कम होगा न्यूक्लियर रीजन में तो इसलिए वो डेंस ज़्यादा होगा, डेंस ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। अब लेंस की बात करें, ये एनाटॉमिकली कैसे लॉज करता है हमारी आई में, तो ये पटेलर फोसा में लॉज करता है। आप यहाँ देख सकते हैं पटेलर फोसा में लेंस लॉज करता है, ये पाया जाता है। और इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। इसका अपना एक इक्वेटोरियल पार्ट है, आप देख सकते हैं ये इक्वेटोरियल पार्ट है, ये एंटीरियर इसका कर्वेचर है, ये इसका पोस्टीरियर कर्वेचर है। मैंने आपको बताया था एंटीरियर कर्वेचर थोड़ा फ्लैट होता है, पोस्टीरियर कर्वेचर ज़्यादा कर्व्ड होता है, इसीलिए जब ये ज़्यादा कर्व्ड है तो मैंने आपको बताया था इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे सर्किल छोटी बनेगी, जबकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो एंटीरियर सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा बनेगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जब हम बात करते हैं थिकनेस की, इसमें एक पॉइंट और भी छूट गया है, लेंस के एंटीरियर पोल होते हैं और पोस्टीरियर पोल होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेंस के थिकनेस की बात करते हैं तो अगर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात जब करते हैं तो इसका डायमीटर होता है 3.5 mm एट द टाइम ऑफ बर्थ, और ये हर साल 0.02 mm के रेट से हर साल बढ़ता रहता है। तो 0.02 mm के रेट से यह हर साल बढ़ता रहता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि ये जो इक्वेटोरियल जो लेंथ है यानी इक्वेटोरियल जो डायमीटर है वो आप देखेंगे ये होता है 6.5 mm एट द टाइम ऑफ बर्थ, और ये सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ में मैक्सिमम अपनी लेंथ तक पहुंच जाए, डायमीटर की जो वैल्यू है ये मैक्सिमम हो जाती है 9 mm तक, और इसके बाद ये कांस्टेंट थ्रू आउट लाइफ रहती है क्योंकि आप देखेंगे सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ तक ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है हमारी बॉडी की, तो उसके बाद ये और बड़ा नहीं होता। लेकिन एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है ये लगातार थ्रू आउट लाइफ बढ़ता रहता है, ये एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन है। मुझे उम्मीद है कि लेंस को जब हम बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तभी पूरी इमेज को क्लियर कर पाना पॉसिबल होता है। आप देख सकते हैं जो ये अभी मैंने ड्रॉ किया है लगभग ऐसा ही मिलता जुलता ये इमेज है
हमने एक सिंप्लीफाइड यहाँ पर जो इमेज मैं बना रहा हूँ उसको आपने देखा। यहाँ इक्वेटोरियल पोर्शन को एक बार फिर से देख लीजिए, इक्वेटर का पार्ट है यहाँ पर आप देख रहे हैं इक्वेटोरियल पार्ट, फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर दो पोल होते हैं, यहाँ पर भी कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है, आपको ये बताया था मैंने। फिर यहाँ आप इंटीरियर हिस्से में जब आप देखते हैं तो ये लेस कॉन्वेक्स पार्ट है। अब यहाँ एंटीरियर पार्ट मैंने आपसे डिस्कस किया, फिर पोस्टीरियर पार्ट भी होता है, फिर मैंने आपको बताया ना एंटीरियर में भी आप या तो कह सकते हैं कैप्सूल में कैटरैक्ट डेवलप होगा, या पोलर एरिया में कैटरैक्ट डेवलप होगा, या सब कैप्सुलर एरिया में डेवलप होता है। ऐसे पोस्टियरली भी आप कहते हैं क्या, पोस्टियर कैप्सूल में डेवलप हो सकता है, पोस्टियर सब कैप्सूल में डेवलप हो सकता है, पोस्टियर पोल में कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है। इस तरीके से कैटरैक्ट के डेवलप होने के कई अलग अलग हिस्से हैं। थिकनेस की बात किया तो मैंने आपको बताया कि इसका एंटीरियर पोस्टियर डायमीटर 3.5 mm बर्थ पर होता है और ये लगातार बढ़ता रहता है एंटीरियर पोस्टियर डायमीटर, जबकि इक्वेटोरियल डायमीटर जो है ये जन्म के समय 6.5 mm होता है और ये 9 mm तक सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ में बढ़ता है और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। ये सारे जो भी पॉइंट्स हैं इनको हम लोगों ने समझा। अब हम बात करते हैं कंस्टिट्यूएंट्स की, इसको इसके कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो जब हम कंस्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रोटीन बहुत ही कंसंट्रेटेड अमाउंट में पाई जाती है और ख़ास तौर पर बीटा प्रोटीन। बीटा प्रोटीन इसमें सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पर बीटा प्रोटीन पाई जाती है और ये देखा गया है कि आई की लेंस में हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 55% तक प्रोटीन पाया जाता है लेंस में। तो आगे हम डिस्कस करेंगे, इसमें वाटर काफ़ी कम होता है और आप समझ सकते हैं यहाँ प्रोटीन है तो प्रोटीन डीनेचर्ड हो सकता है, ये हाइड्रोलायबल होता है, टेम्परेचर पीएच और डिफरेंट तरीके के चेंजेस एजिंग का भी इफेक्ट यहाँ पर पॉसिबल होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कैटरैक्ट डेवलप होता है। जब बात करते हैं इसके डेवलपमेंटल पार्ट पर तो हम समझ सकते हैं कि कॉर्टेक्स लेंस को जब हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है और मैंने आपको बताया भी है कि ये सेंटर से आगे की ओर लगातार 0.02 mm की रेट से ग्रो करता जाता है। तो आप समझ सकते हैं सेंटर पर प्राइमरी ये लेंस का पार्ट होगा जो कि ग्रो करते हुए आगे की ओर जाएगा। तो जो सेंट्रल पार्ट होता है जो जन्म के समय सबसे पहले डेवलप होता है वो न्यूक्लियर पार्ट है। न्यूक्लियर में भी अलग अलग रीज़न होते हैं, एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस इसमें आप देखेंगे न्यूक्लियस में भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते सबसे पहला जो न्यूक्लियस होता है वो एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस होता है जो कि 1 to 3 month की एज तक ये होता है। उसके बाद इसमें डेवलपमेंटल स्टेजेस में फीटल न्यूक्लियस जो कि 3 month से बर्थ तक देखने को मिलता है और न्यूक्लियर इन्फेंटाइल न्यूक्लियस बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक की एज तक पाया जाता है। तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं जो सबसे सेंट्रल पार्ट जो सबसे पहले डेवलप होगा वो एम्ब्रियोनिक न्यूक्लियस होगा, उसको रैप करते हुए फीटल न्यूक्लियस होगा और उसको रैप करते हुए इन्फेंटाइल न्यूक्लियस होता है। इन्फेंटाइल न्यूक्लियस बर्थ से प्यूबर्टी तक होता है, उसके बाद एडल्ट न्यूक्लियस डेवलप होता है जो कि प्यूबर्टी के बाद डेवलप होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेयर्ड फॉर्म में ये लेयरिंग इनकी होती जाएगी, सबसे भीतर होगा एम्ब्रियोनिक, फिर फीटल, फिर इन्फेंटाइल, फिर एडल्ट न्यूक्लियस के पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो एम्ब्रियोनिक फीटल इन्फेंटाइल एडल्ट ये पैटर्न होता है जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि लेंस थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ करता रहता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को, यहाँ सबसे बाहर कैप्सूल है आप देख सकते हैं जिसको ब्लैक कलर से दिखाया गया, कैप्सूल के नीचे एपिथीलियम है और इस एपिथीलियम को जब आप यहाँ देखते हैं तो एपिथीलियम से नीचे जब आप आते हैं तो यहाँ पर कॉर्टिकल रीजन होता है, फिर न्यूक्लियर रीजन होता है। आप देख सकते हैं कॉर्टिकल फाइबर्स यहाँ बनाए गए हैं, कॉर्टिकल फाइबर्स कॉर्टेक्स के रीजन में यहाँ पर पैटर्न जो है वो कॉर्टिकल फाइबर का आपको दिख रहा होगा। ये न्यूक्लियर फाइबर जो न्यूक्लियस में है इसको आप देख सकते हैं, बाकी सारे पार्ट्स के बारे में हमने पहले ही बता रखा है। तो जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर को लेकर के तो कुछ स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको यहाँ पर कैप्सूल के बारे में जानना ज़रूरी होगा। यहाँ पर कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल एक्चुअली बेसमेंट मेम्ब्रेन को कहा जाता है और
ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किसका होगा जिसको हम कैप्सूल कहते हैं? तो ये एपिथेलियल सेल्स का होता है। तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन पिछले इमेज में था, इसलिए मैंने इमेज को चेंज किया है। यहाँ पर आप लेंस के स्ट्रक्चर को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एपिथिलियम के जिसको डिनोट किया गया उसके बाहर देखें तो आप रेड कलर से मैं एक कवरिंग कर रहा हूँ, ये है कैप्सूल, कैप्सूल या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन या फिर लेंस कैप्सूल है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किसका होगा या लेंस कैप्सूल जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन किसका हो सकता है? ये एक्चुअली एपिथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। आपको यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ एंटीरियर पार्ट में एपिथेलियम की लेयरिंग होती है, लेकिन पोस्टीरियर पार्ट में आप देख रहे हैं एपिथेलियम की लेयरिंग नहीं पाई जा रही। फिर भी यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन कैसे हो सकता है जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एपिथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है? तो आपको समझना होगा कि आफ्टर बर्थ एपिथेलियम की लेयरिंग एंटीरियर साइड में तो प्रेजेंट होती है, लेकिन पोस्टीरियर साइड में ये डिजनरेट कर जाती है, लेकिन उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन थ्रू आउट प्रेजेंट रहता है। यानी एपिथेलियम की जो लेयरिंग जो सिर्फ आपको आगे दिख रही है वो पोस्टीरियरली भी जन्म से पहले होती है, लेकिन ये एपिथेलियल लेयर जन्म के बाद नहीं होते, ये डिजनरेट कर जाते हैं, लेकिन जो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो पाई जाती है और आगे ये कंटिन्यू रहती है एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, ये पूरा का पूरा एक कैप्सुलर इन्वलप यहाँ पर डेवलप हो गया। बात यहाँ तक कहा जाता है इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन है हमारी बॉडी का। तो ये हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। और कैप्सूल, जिसको कैप्सूल भी कहा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी कैटरेक्ट का डेवलपमेंट हो सकता है, इसीलिए कैप्सुलर कैटरेक्ट कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये थिकेस्ट होता है प्री इक्विटोरियल रीजन में। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इक्वेटर से पहले का जो पार्ट है इधर की ओर प्री इक्विटोरियल रीजन में ये ज़्यादा थिक होता है। इसके थिकनेस 14 माइक्रॉन तक होती है। आप समझ सकते हैं चूंकि यहाँ एपिथेलियम की लेयरिंग है इसलिए प्री इक्विटोरियल रीजन में आप इसकी थिकनेस ज़्यादा पाएंगे, जबकि इसका पोस्टीरियर पोल के पार्ट में, आप यूं कह लें पोस्ट इक्विटोरियल पार्ट में, इसकी थिकनेस कम होती जाती है और ये सबसे थिन होता है पोस्टीरियर पोल के हिस्से में। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने इक्वेटर पर जो लाइन ड्रॉ किया है इसके आगे ये थिक होता है। क्यों थिक होता है? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं एपिथेलियम की लेयरिंग पाई जाती है और चूंकि लेयर है एपिथेलियम की प्रॉपर, तो इसलिए उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रॉपर होती है। तो प्री इक्वेटोरियल रीजन में काफ़ी थिक होता है इक्वेटर से जस्ट प्री इक्वेटोरियल रीजन में। पोस्ट इक्वेटोरियल रीजन में आप देखेंगे चूंकि एपिथेलियम की लेयर नहीं पाई जाती इसलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन भी थिन हो जाती है और ये सबसे ज़्यादा थिन पोस्टीरियर पोल के हिस्से में पाई जाती है। मैंने अभी आपको बताया था ना, यहाँ एंटीरियर पोल होता है, यहाँ पोस्टीरियर पोल होता है। तो इसका एक बेसिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप कैटरेक्ट को बेहतर तरीके से समझ सकें। आप देख सकते हैं कि यहाँ एंटीरियर एपिथेलियम की लेयर होती है कैप्सूल के जस्ट नीचे, लेकिन आपको ये भी मैंने बताया कि पोस्टीरियर एपिथेलियम जैसी कोई लेयर नहीं पाई जाती क्योंकि ये जन्म से पहले ही केवल पाई जाती है, ओनली प्रेजेंट बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ नो पोस्टीरियर एपिथेलियम इज फाउंड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद यहाँ लेंस को अपनी पोजीशन पर साधे रखने के लिए यहाँ कुछ जोनुलर फाइबर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर लेंस को अपनी पोजीशन पर साधे रखने के लिए सिलियरी जोन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसको हम जोनुलर फाइबर्स कहते हैं। ये सिलियरी बॉडी के साथ मिल करके एकोमोडेशन में मदद करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और ये जानते हैं कि ये लेंस को अपनी प्लेस पर होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका ये नॉर्मल फंक्शन है और अगर ये इंजर्ड हो जाए तो लेंस डिस्प्लेस हो जाता है। तो इस तरीके से पोजीशन, ये पोजीशन है, पॉजिटिव नहीं है, ये पोजिशनल है, पोजीशन ओ एन है, ये
पोजिशनल डिस्प्लेसमेंट्स हो सकता है, लेंस हो सकता है एंटीरियरली डिस्प्लेस कर जाए या फिर पोस्टीरियरली डिस्प्लेस कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि लेंस कैसे अपनी पोजीशन पर रहता है, इसके एनाटॉमिकल पार्ट कितने हैं। अब हम इसकी फिजियोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, ये कैसे ट्रांसपेरेंट बने रहने की कोशिश करता है। तो फिजियोलॉजी ऑफ लेंस को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेंस की अपनी वैस्कुलर सप्लाई नहीं होती है, इसको न्यूट्रिएंट्स एक्वस ह्यूमर से लेना पड़ता है। तो इसकी अपनी कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है और ये न्यूट्रिएंट्स को एक्वस ह्यूमर से प्राप्त करता है। कहाँ से? एक्वस ह्यूमर से। कैसे प्राप्त करेगा? डिफ्यूजन के द्वारा प्राप्त करता है और इसमें प्रोटीन का ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, वाटर कम होना चाहिए, क्योंकि वाटर अगर ज़्यादा हो गया तो ये स्वेल कर जाएगा, इसकी हार्डनेस कम हो सकती, तो वाटर को लगातार मीन्स इसका अमाउंट कम रहना चाहिए लेंस के भीतर। तो इसके लिए वाटर चूंकि अंदर कम होना चाहिए, इस काम को कराने के लिए यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप भीतर से सोडियम को बाहर धक्का मार करके ले जाता है। इसकी वजह से होगा क्या, जब सोडियम बाहर जाएगा तो पानी भी अपने आप बाहर चला जाता है। आपको पता है सोडियम के साथ वाटर का एसोसिएशन होता है। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं जहां नॉर्मली एक्वस ह्यूमर में 99% वाटर होता है, लेंस में केवल 66% वाटर होता है या उससे भी कम हो सकता है। इसमें बाकी आप देखेंगे कि इसके जो प्रोटीन का डीनेचुरेशन ना होने पाए, इस काम के लिए भी यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म काम करती रहती है। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने में सबसे बड़ा योगदान सोडियम पोटेशियम पंप का होता है। ये कैसे काम करेगा, सोडियम को बाहर धक्का मारता है और पोटेशियम को अंदर लाता रहता है। और आप जानते हैं सोडियम के साथ पानी का एसोसिएशन होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी आप देखें, ग्लूटाथियन की मात्रा आप देख सकते हैं हाई होती है। वो इसलिए होती है ताकि यहाँ पर रिडक्टिव जो मैकेनिज्म है ऑक्सीडेशन ना होने पाए। आपको बताया ना, फ्री रेडिकल या फिर ऑक्सीडेटिव जो डिजेनरेटिव मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से लेंस प्रभावित होता है, उन चीज़ों से बचने के लिए लेंस का डीनेचुरेशन ना होने पाए, डीजेनरेटिव चेंजेस ना होने पाए, इसलिए यहाँ ग्लूटाथियन पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लूकोज कम होता है, लैक्टिक एसिड ज़्यादा होता है। लैक्टिक एसिड इसलिए ज़्यादा बनता है क्योंकि आगे हम देखेंगे ये एनएरोबिक मैकेनिज्म के द्वारा एनर्जी प्राप्त करता है। और यहाँ पर अमीनो एसिड्स ज़्यादा है, ये भी हम लोगों ने अभी नीचे देखा था। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म कौन कौन सी काम करेगी और कैसे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखने में ये सब मदद करते हैं। लेंस का प्रोटीन डीनेचर्ड नहीं होना चाहिए, तो इसलिए लेंस का प्रोटीन प्रॉपर बना रहना चाहिए अपने शेप में, अपने उसके उसकी हेल्थ मीन्स लेंस का प्रोटीन प्रॉपर सही ओरिएंटेशन होना चाहिए, उसका प्रॉपर उसका अरेंजमेंट होना चाहिए और पानी की मात्रा कम होनी चाहिए जिसके लिए सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म के लिए बीटा कैरोटीनॉइड, विटामिन बी सी ई ये काम करते हैं और यहाँ पर रिड्यूस्ड ग्लूटाथियन भी पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म में सपोर्ट करता है। ये सारे के सारे प्रोटीन को डीनेचर्ड होने से बचाते हैं। आप जानते हैं अगर ऐसा होता है तभी लेंस हेल्दी रह सकता है। आपको समझना होगा कि न्यूक्लियर पार्ट जो अंदर का पार्ट है ये मेटाबॉलिकली इनर्ट होता है, सबसे ओल्डेस्ट होता है। कॉर्टिकल पार्ट यंगेस्ट होता है और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप काम करते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप के काम करने से पानी बाहर एक्सपेल होता रहता है, ये बात मैंने आपको बताया। न्यूक्लियस के हिस्से में आप देखेंगे कि ये मेटाबॉलिकली इनर्ट पार्ट होता है, ये ओल्डेस्ट पार्ट है, इसलिए इसमें ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं पाई जाती हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये लगभग डेड लाइक होता है, तो इसलिए ये हार्ड होता ही है, लेकिन जो मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट है जो कि एक्टिविटी की वजह से अपने भीतर पानी नहीं आने देता, पंप को लगातार काम इस तरीके से कराता है कि पानी बाहर ही रहे, लेंस में ना आए। अब आप समझ सकते हैं कि अगर मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट का फंक्शन में चेंजेस आए, यानी
अगर सोडियम पोटेशियम पंप कॉर्टिकल रीजन में सही तरीके से काम न कर पाए तो आप एजिंग के साथ ही साथ आप देखेंगे ये पंप अगर सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे तो होगा क्या, वाटर का एक्सपेल होना उतना इफिशियंट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वाटर बाहर जो फेंके जाते थे वो अल्टीमेटली नहीं बाहर रह पाएंगे, वो पानी धीरे धीरे अंदर आने लगेगा लेंस के भीतर, तो इस तरीके से लेंस का हाइड्रेशन होने लगेगा। लेंस का हाइड्रेशन होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी घटेगी लेंस की, और अल्टीमेटली ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी घटने की वजह से कैटरैक्ट डेवलप होता है। तो ये कैटरैक्ट डेवलप होने के क्या कारण है, इसीलिए मैंने आपको लेंस के बारे में सबसे पहले समझाया है। लेंस के मेटाबॉलिज्म को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि लेंस किस तरीके से अपने भीतर सेलुलर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है, अप टू 80% जो इसकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस के द्वारा पूरी होती है। इसलिए आपको मैंने दिखाया था वहाँ पर लैक्टिक एसिड लेंस में ज़्यादा पाया जाता है। बाकी 15% एनर्जी की रिक्वायरमेंट एचएमपी पाथवे के द्वारा पूरी की जाती है, और 5% इसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्रेब्स साइकिल के द्वारा पूरी की जाती है। तो यहाँ पर 80% तक एनर्जी की रिक्वायरमेंट एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस से, 15% एचएमपी पाथवे से, 5% क्रेब्स साइकिल के द्वारा पूरी की जाती है। कुछ मामलों में यानी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में सॉर्बिटॉल पाथवे भी एक्ट करने लगता है। सॉर्बिटॉल पाथवे मेटाबॉलिक कैटरैक्ट के दौरान, जब मेटाबॉलिक कुछ हम जानते हैं ना हमारी बॉडी में डिफेक्ट्स हैं मेटाबॉलिक, जिसमें डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में हम पढ़ते रहे हैं, तो मेटाबॉलिक कैटरैक्ट जब डेवलप होता है तो उसके डेवलप होने के पीछे रीज़न यह है कि कुछ मामलों में कुछ ऐसी खास बीमारियां हैं जिसमें सॉर्बिटॉल पाथवे के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है डायबिटीज मेलिटस में। तो लेंस के मेटाबॉलिज्म का वैसे एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस ही मेजर पार्ट है। 15% मामलों में एचएमपी पाथवे से एनर्जी प्राप्त की जाती है, और 5% मामले में क्रेब्स साइकिल के द्वारा। तो इस तरीके से हम लोगों ने लेंस की एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी और उसके मेटाबॉलिक फंक्शंस, उसके एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोगों ने समझा। आगे हम देखेंगे कि लेंस कैसे डेवलप होता है और उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है।